मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको बांस करील का छिलका बनाना बताती हूँ। बांस करील का छिलका बनाने के लिए यहाँ पे मैं बांस करील ली हूँ और इसको 2-3 दिनों के लिए पानी में सोक करना रहता है, जिससे कि ये खट्टा हो जाए। बीच बीच में इसका पानी को चेंज करते रहें, उसके बाद इसको निकाल करके और ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद इसका पानी को निचोड़ दें और उसके बाद इसका पानी को निचोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी चावल को मैं 2 घंटे के लिए पानी में सोख की हूँ और उसके बाद इसको मिक्सी में मैं पीस ली हूँ। मिक्सी में पीसते टाइम इसमें 2 हरी मिर्च, 2 पिंच हींग, जीरा और 5-6 लहसुन की कली को डाल करके और इसमें 2 चम्मच बेसन, चना का बेसन डाल करके और अच्छे से मिक्सर में इसको मैं पीस ली हूँ। और पीसने के बाद इसमें बांस करील को ऐड कर दी हूँ। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से बैटर को बनाना है। इसमें थोड़ा पानी मिला दें, बैटर बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं रखना है। इसके बाद गैस के ऊपर यहाँ पे मैं तवा रखी हूँ। तवा मैं लोहे का ली हूँ और उसमें वेजिटेबल ऑयल या सरसों का तेल, कोई भी तेल डाल करके और उसके ऊपर इस बैटर को डालें, थोड़ा स्प्रेड करें। इसको बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा छोटा बनाएं। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको सेके अच्छे से, और जब ये एक तरफ सिक जाए तब इसको पलट दें और पलट करके इसमें फिर से ऑयल लगा दें और अच्छे से इसको सेक लें। इसको हल्का क्रिस्पी बनाना है और अच्छे से इसको सेकना है। उसके बाद ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये बन रहा है और एक एक करके सारा चिल्ला बना लें छिलका, और उसके बाद इसे किसी चटनी के साथ खाएं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो इसको आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये झारखंड का फेमस डिश है और आप भी ट्राई करें। अगर ये अच्छा लगे आपको मेरा डिश, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।